नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखर गुप्ता हूँ और मैं ENT कंसल्टेंट हूँ प्रिस्टीन केयर में। तो आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन ENT कंडीशन के बारे में, जो कि एक्यूट साइनोसाइटिस जिसे कहते हैं। तो एक्यूट साइनोसाइटिस समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइनस होते क्या हैं। तो साइनस हमारे फेस पे, हमारे स्कल के ऊपर एयर कैविटीज़ होती हैं, जिनमें कि यूजली हवा होती है, और उनका काम होता है कि हवा को प्योरीफाई करना और स्कल को लाइट करना। तो उन साइनसेस में जब भी किसी तरह की ब्लॉकेज हो जाए, या उसमें म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो जाए, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि नाक का टेढ़ापन होना या स्मोकिंग इत्यादि फैक्टर्स, उसकी वजह से ये साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनमें हवा की जगह म्यूकस या पस भरना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम एक्यूट साइनसाइटिस कहते हैं। सो एक्यूट साइनसाइटिस को हम यूजली दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है बैक्टीरियल साइनसाइटिस, एक होता है वायरल साइनसाइटिस, एंड कुछ प्रतिशत लोगों में फंगल साइनसाइटिस होने के भी चांसेस होते हैं। यूजली वो क्रॉनिक तौर पे प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से बैक्टीरियल साइनसाइटिस सबसे कॉमन तौर से हमें पाया जाता है। इनके होने वाले लक्षण मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि सर दर्द होना, नाक से रेशा गिरना और नाक ब्लॉक होना, या फिर कईयों को रात को खराटे जैसे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। सब्सक्राइब कीजिए प्रिस्टीन केयर चैनल को और बेल आइकन दबाकर इंडिया के एक्सपर्ट डॉक्टर्स से पाएं हेल्थ और सर्जरी से रिलेटेड सभी जानकारी। बुक योर सर्जरी अपॉइंटमेंट ऑन pristinecare.com। प्रिस्टीन केयर।